हेलो एवरीवन आज हमने बनाए टेन लाख रुपीज वो भी लाइव रहकर आप लोगों के साथ ही जब मैं लाइव था आज मार्केट में मैंने कल रात को ही बता दिया था कि आज मैं लाइव आने वाला हूँ इंडियन मार्केट के लिए और बिल्कुल मैं मार्केट खुलने के पहले लाइव आ गया था और थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर लाइव विद मी एंड लोगों ने बहुत सारा पैसा कमाया आप लोग बताना जिन्होंने पैसा कमाया कमेंट करके कितने कितने पैसे कमाए तो डेफिनेटली डू कमेंट एंड लेट मी नो तो अब मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि लर्निंग भी तो मैटर करती है तो जितने लोग लाइव थे उन्हें तो पैसे भी कमाए अब पहले तो लोग ये बोलते थे क्यों दिखा रहे हो तो लाइव तो ट्रेड करके दिखाओ जब लाइव करके तो क्या मतलब है दस लाख कमा लिए दिखा के अब तो लाइव रहता हूं मैं लाइव भी था अगर आपने नोटिफिकेशन भले कर नहीं दबाई तो दबा दो अभी की अभी वीडियो को पॉज करके एनी अभी मैं इसलिए आया आऊँ क्योंकि इट्स वेरी वो बना क्यों पैसा अब आप बोलेंगे दस लाख रुपए बना लिया ऐसे ही वो दस लाख रुपए इसलिए बना क्योंकि एक्सपीरियंस था और नॉलेज था वो नॉलेज मैं आपको देता हूँ तो मैं आपको पूरा टेक्निकल सेटअप समझाऊंगा साइकोलॉजी समझाऊंगा इस ट्रेड के बिहाइंड पूरा का पूरा आपको दिखाऊंगा कि कहाँ एंट्री थी कहाँ एग्जिट था तो इससे अगर अगली बार मैं लाइव नहीं भी आ पाया तो आप खुद से वो डिसीजन अपने लिए ले, ले पाओ ऑलरेडी सबसे पहले पोजीशन है ये रही पोजीशन दिख रही है आपको दस लाख फिफ्टी थ्री थाउजेंड प्रॉफिट दिख रहा है इसको रिफ्रेश मार देता हूँ कि लगे एडिटेड वगैरह है और इसका वेरीफाइड पेनल लिख भी मैं डाल दूंगा कोई दिक्कत नहीं वेरीफाई करने के बाद ठीक है तो अभी ये है दस लाख पचास हजार रुपए अभी यहाँ पे आएंगे और इस ट्रेड को समझेंगे और स्ट्रेट को समझेंगे कि यहाँ पे कैसे हुआ ये ट्रेड लॉजिक हुआ तो मैं पहले सबको डिलीट मार दे रहा हूं ठीक है ताकि आपको ठीक से समझा पाऊँ कि ट्रेड का लॉजिक क्या था उसके पहले कि कुछ लोग बोले कि अरे अभी अपना जब प्रॉफिट होता तभी आते हो लॉस तो दिखाते नहीं हो तो लॉस दिखाते हैं जो दूसरे अकाउंट में ट्रेड किया उसका में लॉस हुआ था दो लाख रुपए का कल वो भी डाला मैंने पी वेरीफाइड पीन में वो उसका लिंक भी डालूंगा दूसरे अकाउंट का इस वाले अकाउंट में जिसमें मैंने ट्रेड लिया इसको मैं आपको यहाँ पे सो रिफ्रेश कर दे रहा हूँ पहले मैं ठीक है और रिफ़्रेश करने के बाद मैं इक्विटी से इसको फ्यूचर में क्लिक कर रहा हूँ इस वाले क्या बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर पर चलते हैं एक अप्रैल से बोलो तो एक मार्च से बट एक अप्रैल से अभी तक का डेटा देखते हैं ये वाला जो दस लाख रुपये भी आएगा ना ये मार्केट बंद भी नहीं हुआ है सेम दिखा रहा है एक भी ट्रेड नहीं लिया उसके बाद मैंने इस अकाउंट में यानी जब मैंने बताया ना बोला था आपको कि अब मैं इसमें ट्रेड विड्रॉ भी कर लिया था इस पैसे को मैंने ये तो विड्रॉल पैसा है फिर मैंने किया आज पैसा ट्रेड करने के लिए फिर विड्रॉ कर लूंगा मैं क्योंकि मैं बहुत सोच समझ के एक रिस्की ट्रेड लेता हूं तो ये भी साइकोलॉजी समझनी जरूरी है कि ऐसा कुछ नहीं कि देखो चार लॉस हो गए फिर एक प्रॉफिट तो दिखाने आ चलो कमेंट करते हैं वैसा भी क्या मिलेगा मुझे वो करके मेरा काम पे राइट एजुकेशन देना है तो मैं बता रहा हूँ ऑप्शन बाइंग एक ऐसी चीज है जब आपको राइट समय मिले तभी ट्रेड लेना चाहिए तो बिफोर आई शो यू द टेक्निकल सेटअप मैंने आपको अपना इस अकाउंट का पीएनएल दिखा दिया पूरा प्रॉपरली और लॉस नहीं होते होते ना जाओ ना जो दूसरा अकाउंट है उसमें मैं रोज ट्रेड करता हूँ रेगुलर ऑप्शन बाइंग सेलिंग दोनों चलती तो उसमें थोड़ा हुआ और वो देख सकते हैं आप कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं कमिंग बैक टू नाउ लॉजिक देखने से कभी किसी का कुछ मिलेगा याद रखना मिलेगा कुछ तो नॉलेज ही अब बात करते रिप्ले मोड पे डाल दूंगा देखो मार्केट क्या होता है बिफोर बिफोर दिस मार्केट स्टार्टेड मैंने क्या किया बिफोर दिस मार्केट स्टार्टेड मैंने यहाँ पे पहले से एक चीज क्लियर कर ली थी क्या कर लिया था मैंने यहाँ पे ना बहुत सारा बहुत सारा मैंने डेटा एनालिसिस करके रखा था पहला एनालिसिस ये ऑब्स्ट्राक्ट क्या होता है कैसे निकालते हैं फ्यूचर्स को ओपन इंटरेस्ट बॉयज गाइज मैंने ना वीडियो बना दिया है और वो जल्दी आने वाला है ओपन इंटरेस्ट के ऊपर तो जरूर देखना वो वीडियो एनी मैं आपको इतना दिखाना चाहूंगा कि हमको ये बताया जा रहा है ओपन इंटरेस्ट पे जाएंगे और एक बार यहाँ पे जाएंगे ऑप्शन फ्यूचर वर्सेस टाइम पे तो हमको दिखा रहा है कि मार्केट ना यहाँ पे लगातार लगातार कैसा कर रहा है लॉन्ग बिल्डअप लॉन्ग बिल्डअप लॉन्ग बिल्डअप लॉन्ग बिल्डअप एक आद लॉन्ग अनवाइंडिंग बाकी पूरा लॉन्ग बिल्डअप लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट पूरा पूरा बुलिश तो मैं यहाँ पे आके देखता हूँ पहले कैसा था सिर्फ और सिर्फ टू परसेंट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा था यानी कि फेक लॉन्ग बिल्डअप दिखाया जा रहा था फेक मतलब दो परसेंट क्या मूवमेंट होता है भाई जैसे अभी देखो ओआई चेंज क्या ही चे? कुछ भी ओआई चेंज नहीं आया है खैर अभी तो मार्केट नीचे गिर रहा है तो अभी तो मार्केट बंद भी नहीं हुआ तो कांड से एनीथिंग जैसे तो ये डेटा बदल गया अब चलो इंट्रा मतलब ये कल रात तक तो अलग दिखा रहा था तो मेरे एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पे ना हमको पता चल रहा था कि भाई फ्यूचर्स वीक बता रहा है ऑप उप, ऑप्शन डेटा भी ऑप्शन डेटा मैं दिखाता हूँ आपको ऑप्शन का डेटा जो है ऑप्शन का डेटा ऑप्शन का जो ओपन इंटरेस्ट है वो भी मुझे यहाँ पे बता रहा था दस स्ट्राइक प्राइस पकड़ूंगा तो अब तो चेंज हो गया ये भी चेंज हो गया ये भी अपन चेंज कर सकते कर सकते ट्वेंटी जून पे जाएंगे यस चेंज कर सकते हैं ट्वेंटी जून पे जाएंगे स्ट्राइक प्राइस पकड़ेंगे अपन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सत्ताइस जून का भी पकड़ना पड़ेगा तो हमको देखेगा कि यहां पर स्ट्राइक प्राइस पकड़ेंगे तो बारह रेजिस्टेंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है रेजिस्टेंस यानी करोड़ है सपोर्ट तो रेजिस्टेंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है अब निफ्टी का प्राइस एक्शन जब चेक करने जाएंगे तो मालूम चलता है कि मार्केट का यहाँ पे सप्लाई जोन ही है कि मार्केट इस लेवल पे खुलता है तो गिरता ही है तो अपन को मालूम है मार्केट इस सप्लाई जोन है यहाँ पे ठीक है हमने ये ये भी भी पे प्लान करके रख लिया मार्केट का पे एक इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन है और मार्केट में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है जो कि है 50 मूविंग एवरेज टू हंड्रेड मूविंग एवरेज 50 मिनट टाइम फ्रेम का ठीक है जिसको मार्केट एक सपोर्ट ले रहा था रिसेंटली उसी से मार्केट ने कल सपोर्ट लिया था यहाँ पे बंद होने के पहले तो हमने क्या किया वेट किया मार्केट के ओपन होने का मार्केट पहले ओपन होता है तो पहली कैंडल पे तो ऑब्वियसली ट्रेड तो ले नहीं सकते मार्केट गैप अप ओपन हो और बहुत बड़ी रेड कैंडल बनाया अब यहाँ पे तो ट्रेड ले नहीं सकते तो अब वेट करना पड़ेगा कोई अच्छे सेल अपॉर्चुनिटी का मार्केट फिर क्या करता है एक और ब्रेक डाउन कैंडल देता है कोई खास ट्रेड मिलता नहीं है एक सपोर्ट अब जब एक ग्रीन कैंडल बनती तो मार्केट ने पे बेस बनाया अब मैं ऐसे डिलीट मार रहा हूं मैं सप्लाई जोन पे हूं और फिर मार्केट ने यहां पे बनाई ग्रीन कैंडल और बढ़िया हमको अभी अच्छा बेस मिल गया मार्केट ने पुल बैक भी ले लिया अब अगर मार्केट लो तोड़ेगा यहाँ पे अब अगर मार्केट इसको तोड़ेगा तो ट्रेड बनता है क्या ओके यहां पे बनता हमारा ट्रेड तो मैं इसे डिलीट मार रहा हूँ और यहाँ पे बहुत ही शानदार ट्रेड मैंने बताया भी सारे लोगों को कई लोग मेरे से पहले घुस गए मैं कई लोग मैं भी थोड़ा कैंडल बंद होने के पहले ही घुस गया मैं लगभग यहाँ कहीं घुस गया था ठीक है यहाँ कहीं घुसने के बाद अगर मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि थर्टी टू का मिल रहा है तो मैं ले सकता हूँ थर्टी टू थर्टी फाइव स्टॉप लॉस कोई बड़ी बात नहीं मैं लेता हूँ थर्टी फाइव मैं टारगेट भी लेता हूँ और हंड्रेड एट्टी हंड्रेड रुपीज़ के कोई बड़ी बात नहीं है टारगेट मैंने प्लान किया यहाँ पे वन मैंने यहाँ पे प्लान किया ठीक है मेरा टारगेट जो था सबसे पहले मेरे टारगेट लेवल्स क्या थे मैं वो भी मार्क कर देता हूँ मेरा पहला टारगेट लेवल था ये दूसरा टारगेट लेवल था ये और एक और टारगेट लेवल था वो भी मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ वो क्या था वो टारगेट लेवल मेरा था ये ठीक है तो ये मेरा तीसरा टारगेट लेवल था जो कि आपको यहाँ पे दिखेगा आप ये तो दिस वॉज माई थर्ड टारगेट लेवल तो अब देखो प्राइज एक्शन के हिसाब से मैंने मैंने ऑब्वियसली बात है अपन मतलब टारगेट तो मेरे वो है बट ऑब्वियसली बात है उतना एक बार में मिलता नहीं है और तो अपन ने क्या किया वन इज टू टू सेट करके बैठ गए फिर क्या हुआ मार्केट चालू होता है अपने डायरेक्शन में काम करना चालू होता है ठीक है पुल बैक लेता है जाता है और बढ़िया वाला मूव देता है दिख रहा है आपको टारगेट बुक नहीं किया मैंने मैं होल्ड कर रहा हूं मेरे ट्रेड्स को ठीक है मेरा भी हिट हो, हो गया और वो ये वाला ट्रेड है जिसमें कुछ भी नहीं मिला दो लाख रुपए दिख रहा है आप लोगों को दो लाख रुपए ज्यादा नहीं मिले एक्चुअली पाँच छह लाख रुपए तक चला गया था बुक नहीं हो पाए दिखाता हूं क्यों और ये देखो प्रैक्टिकल ट्रेडिंग सबको प्रॉब्लम फेस होती होगी इसको कैसे मैंने मैनेज किया फिर मुझे क्या दिख रहा है कि मार्केट पे ग्रीन कैंडल बनाया अब मैंने देखा मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया और डबल बॉटम बनाया और मार्केट क्या किया फिर एक और सब रेड कैंडल बनाया फिर से ग्रीन कैंडल बनाया अब जब मार्केट ने यहाँ पे वापस से ऐसी कैंडल बना दी ना तो मेरे क्या आई I मीन mean, इस कैंडल के पहले ही मैं यहाँ पर निकल गया कहाँ निकल गया मुझे लगा मुझे क्लियरली दिखने लगा कि मार्केट यहाँ पर भागेगा तो मैं यहाँ पे कट कर दिया मैंने तो यहाँ पे मेरे को ना मेरा जो पांच छह लाख का प्रॉफिट था आपको मालूम है जब भी ऑप्शन बाइंग करते हो फ्लो फ्लो में निकल गए तो बड़ा प्रॉफिट मिलता नहीं तो फिर प्रॉफिट कम हो जाते हैं याद रखना ऑप्शन बाइंग में बड़े कैंडल पर निकलना अच्छा रहता है बट मेरा आज मेरे को प्लान था कि बड़ा ट्रेड मिलेगा और एक्चुअली उसी वक्त एडीएक्स की वैल्यू डाउन होगी एडी एस के इंडिकेटर है जिस जिसमें रिसेंटली वीडियो मैंने बनाया है मेरे वीडियो में डाला देख लेना आप तो एडीएक्स कम होकर मैं कट दिया तो ये बड़ा प्रॉफिट था गाइज यहाँ पे कम से कम छह सात पाँच छह लाख रुपए का वो कम होकर दो ढाई लाख रुपये कट गया कोई दिक्कत नहीं हमने यहाँ पे पुट को एग्जिट किया फिर क्या हुआ मुझे एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम दिखा यहाँ पे एक अच्छा लॉन्ग मोमेंटम दिखा कि मार्केट ने यहां पे तो मैंने पे पे तुरंत एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट किया क्या प्लान करके? ये प्लान करके करके क्योंकि क्योंकि ये कि मार्केट यहां पे अभी उस वक्त मार्केट यहां पहुंच गया था कैंडल क्लोज नहीं हुई थी बट मैंने एंटर कर गया थोड़ा हड़बड़ी में जब मार्केट यहां पहुंच गया मैंने ट्रेड तो ले लिया और ट्रेड लेते ही मार्केट ना गया मेरे मूविंग एवरेज के ऊपर गया लेकिन जैसे ही मैं मूविंग एवरेज के ऊपर गया थोड़ा मूविंग एवरेज के ऊपर अगर वापस मतलब वापस आने लगा जब ये क्लोजिंग अंदर दे दिया तो मैंने इसको तुरंत कट कर दिया एटी नाइन थाउजेंड रुपये ये भी मेरा तीन लाख रुपए प्रॉफिट तक जा चुका था कैपिटल कितना यूज किया जा रहा है दस लाख रुपए यूज किया जा रहा है दस लाख रुपए बारह लाख रुपए इसमें भी दस लाख रुपए इसमें भी दस बारह लाख रुपए यूज किया गया इसमें भी दस बारह लाख रुपए यूज किया गया बट मैंने देखा कि मार्केट या मार्केट क्या किया मार्केट गोल्ड है ये अरे वाह बहुत बढ़िया मना भी किया था मैंने लोगों को नहीं करना है

हमने तुरंत तुरंत वॉल्यूम इंडिकेटर को देखा और वॉल्यूम इंडिकेटर में क्या देखा दिखाता हूं मैं आपको और अब उसके बाद अब देखो पता है क्या हुआ इसके बाद हम लोगों ने देखा कि भाई क्या बोलते हैं ए डी एक्स के लिए एकदम ड्रॉप हो गए तो सब एकदम डिमोटिवेट हो गए दुख्योगे मैं भी दुखी हो गया कि भाई अब तो कोई ट्रेड बनना नहीं है बकवास मार्केट साइडवेज जा रहा है साइडवेज जा रहा है साइडवेज जा रहा है और एकदम अजीब सी चीज़ होती है मार्केट रिटेस्ट कर रहा है देख सकते हो आप लोग कैसे रिटेस्ट कर रहा है तो मार्केट हमने देखा भाई ये क्या है हमने देखा अचानक से वॉल्यूम में स्पाइक एडीएक्स की वैल्यू वैल्यूलो है एडीएक्स इंडिकेटर खोल देता हूं मैं आपके सामने आप देख सकते हो जब मैं एडीएक्स पे ओपन करूंगा तो आपको दिखेगा इसका जो इनपुट है अपन पे पंद्रह करना है तो एकदम दिखेगा कि तब तक ना एकदम मार्केट ड्रॉप हो चुका है एकदम ड्रॉप हो चुका है मतलब अठारह के बदले कहाँ अठारह छोड़ो चौदह वगैरह तो तो मैं उम्मीद छोड़ देता कि सेल नहीं करूंगा लेकिन हम सब ने देखा किसी ने कॉमेंट किया लाइव में सर वॉल्यूम देखो मैं वाह वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम क्या बताते हैं गाइस अगर आप देखेंगे तो यहां दिख रहा है आपको देखो क्या दिखा रहा है नॉर्मल वॉल्यूम 3.2 3.3 मिलियन 3 मिलियन 3 मिलियन अगर डाउट आ रहा है आपको कि मैंने इसको ब्लैक एंड वाइट क्यों किया क्योंकि वो रेड ग्रीन करने से कंफ्यूजन आएगा आपको कि वो बुलिश है क्या बेरिश है क्या भाई वॉल्यूम एक नंबर है कि दो मिलियन ट्रांजेक्ट दो मिलियन दो मिलियन कहां देख रहा हूं? मैं यहां देखो, यहां, माउस देखो मेरा यहां देख रहा आपको? 19 देख रहा आपको 2 मिलियन 2 मिलियन तो कि मार्केट में वो वो हो आप. से मैं देखता हूं, 19 मिलियन तो यहां पे मेरा एडीएक्स का जो डीमोटिवेशन था कि मैं ट्रेड नहीं लूंगा ब्रेकआउट आएगा तो मैं खत्म किया तो मैं देख रहा हूं कि रीटेस्ट कर रहा है ना ऑब्वियसली रीटेस्ट कर रीटेस्ट करके जब मार्केट एक मेरे को एक अच्छा कंफर्मेशन देता है रेड कैंडल वाला यहां पे ठीक है वो हो सकता है ये हा, हाँ यहां पे अच्छा कंफर्मेशन देता है तो मैं क्या करता हूं यहां पे एक सेल पोजीशन बनाता हूं इसी कैंडल पे बनाता हूं मैं सेल पोजीशन ठीक है स्टॉप लॉस मैंने पकड़ा कि भाई डालेंगे इन दोनों कैंडलों के ऊपर और टारगेट बनाएंगे ये वाला ये मतलब मेरा मेरा मन मेरे को ऐसा लगा कि आज मैं पूरे रिकॉर्ड ही तोड़ दूंगा मेरे मतलब रिकॉर्ड में तो कर चुका हूं मैं बट मैंने सोचा कि आज मैं इसको ले ही लूंगा ये वाले ट्रेड को मैं वॉल्यूम बंद कर रहा हूँगा इस ठीक है वॉल्यूम का कचरा दिख रहा है क्योंकि तो देखो पूरा लॉजिक साइकोलॉजी सब कुछ समझा रहा हूँ टेक्निकल आपको मैंने तो इतना मार दूंगा बट भाई मार्केट ने ना बनाई कैंडल ऐसी मज़ा आ गया और ये वाला पोजिशन लिया फिर मैंने बाइस ट्वेंटी थ्री क्योंकि मेरा टारगेट कितना था चार ही मेरा टारगेट था तो मुझे लगा कि मैं इन मनी कर जाऊंगा उसको और फ्राइडे के दिन कोई दिक्कत नहीं है फ्राइडे के दिन तो आउट ऑफ द मनी भी ले सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि स्ट्रॉग होता है अब क्या हुआ भाई इतना जल्दी टारगेट मिला ना क्या जल्दी देखो जल्दी टारगेट मिलने का बेनिफिट क्या होता है मालूम है ना आप लोगों को क्या होता है जल्दी टारगेट मिलने से प्रीमियम बहुत जल्दी बढ़ता है दिख रहा है बोला भाई ट्रेड लिए कितना टाइम हो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ कैंडल में टारगेट तो मैं इस टारगेट को हिट किया और मेरे को देखा कि मेरा जो ओवरऑल पीएनएल है दिखता नहीं हूं मैं बट दस लाख पार कर गया था कितना यूज किया था इस सात लाख वाले ट्रेड में वही सेम दस बारह लाख रुपए यूज किया मैंने तो भाई बहुत तगड़ा मैंने पैसा कमा लिया था इसमें तो ये जब बहुत पैसा कमा लिया यहां पे तो मेरी मैंने यहाँ पे यार बुक कर लिया प्रॉफिट क्यों बुक कर लिया हो गया मेरा मतलब ये डिसीजन ले सकता हूँ वन इस टू तो फोर मैंने अभी भी अचीव कर लिया इसके भले दो ट्रेड में मैंने ज्यादा पैसे नहीं कमाए ठीक पैसे ब्रेक इवन लॉस होना था पर भी किस्मत से ब्रेक इवन मिल गया जल्दी कट गया क्योंकि मैं क्लोज दिया था नीचे तो यहाँ पे बड़ा पैसा वन इज टू तो फोर कमा लिया तो मैंने बुक कर लिया और बाहर आ गया तो देखो नहीं करता तो मार्केट और नीचे जाता क्या देखो देखते हैं मार्केट

अगर आप लाइव में थे तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और जरूर कॉमेंट करके बताना भाई कितने प्रॉफिट बुक किए एंड कौन सा लाइव का पार्ट अच्छा लगा आपको ठीक है और जितने लोग लाइव नहीं कर पाए अटेंड शायद इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा नोटिफिकेशन ऑन कर लो अपने ठीक है और इस वीडियो से क्या सीखने वाला जरूर मेरे को शेयर करके बताओ कमेंट में और बहुत सारे कंटेंट मैंने आप लोग के लिए बनाए हैं बेसिकली मैं आपको क्या बताऊं मैं आज कल रात भर नहीं सोया रात भर बैठ के मैंने आपके तीन से चार वीडियोज बनाए हैं क्योंकि मेरा प्लान था मेरे को वीडियोस बनाने ही थे और मेरे को आज लाइव आना ही था तो और कल रात को भी मैं लाइव आया था यूएस एस थर्टी के लिए वहाँ आप भी आपने टारगेट हुआ था ठीक है तो ये सारी चीज़ें हैं सब्सक्राइब कर लो अगर नए सब्सक्राइबर हो तो ताकि आप ये सब बेनिफिट मिल पाए ठीक है चलो गाइस मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में और थैंक यू सो मच गाइस फॉर ऑल द सब्स लव एंड एवरी थिंग टू मिलियन हो चुका है स्पीड बहुत तेज थी स्लो गई थी बट अब वापस से पकड़ लेंगे और जल्दी अपन थ्री मिलियन हिट करेंगे टू पॉइंट फाइव मिलियन थ्री मिलियन फोर मिलियन फाइव मिलियन और एक दिन टेन मिलियन जरूर करेंगे ठीक है आई विल इंक्रीज द बैंडविथ ऑफ माई कॉन्टेंट एज वेल की आपको लाइफ लाइफ मोटिवेशन ट्रेडिंग फॉरेक्स साइकोलॉजी हर चीज मैं शेयर कर पाऊँ ठीक है चलो ठीक है थैंक यू सो मच मिलते हैं बाय